आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने फेसबुक का डेट ऑफ बर्थ कैसे आप उसे चेंज कर सकते हैं। वैसे कुछ दिन पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैं आपको बताया था कि कैसे आप फेसबुक का कैसे आप उसे डेट ऑफ बर्थ उसका है जो भी है उसे आप कैसे चेंज कर सकते हैं। और उसमें कुछ ऐसे भी कॉमेंट आया था जिनका प्रॉब्लम सोल्व, यानी कि डेट ऑफ बर्थ है वो फेसबुक का वो चेंज नहीं हो रहा था। तो आज के इस वीडियो में आपका प्रॉब्लम भी सोल्व हो जाएगा, फेसबुक का जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो चेंज ईजिली हो जाएगा। तो इस वीडियो को आप लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इधर आपको क्या करना है, सबसे पहले इधर आपको मैं ये नहीं बोलूँगा कि इधर आपको अपने फेसबुक को ओपन कर लेना है, बल्कि आपको इधर क्या करना है, आपको इधर प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आप जैसे आते हैं एंड आपको क्या करना है, इधर सर्च बार में आ जाना है। सर्च बार में आने के बाद इधर आपको ऐसे आपको इधर फेसबुक लेकर सर्च कर दे। जैसे आप इधर फेसबुक लिखकर सर्च करते हैं तो इधर आपको फेसबुक एप्लीकेशन देखने को मिल जाता है। एंड आपको इधर एक बात ध्यान में रखना है, अगर आपके पास इधर ओपन वाला ऑप्शन दिखा रहे हैं तो सही है, एंड अगर आपके पास इधर अपडेट वाला ऑप्शन दिखा रहे हैं जैसे कि मेरा दिखा रहा है तो आपको इधर अपडेट कर ले। इससे क्या होगा, फेसबुक में न्यू फीचर आया होगा वो देखने को मिल, और ये भी हो सकता है कि अगर आप अपने फेसबुक को अपडेट ना किए हो, डेट ऑफ बर्थ हो चेंज ना हो, तो इधर आपको अपने फेसबुक को अपडेट कर लेना है। उसके बाद इधर आपको क्या करना है, सिंपल से आपको इधर अपने फेसबुक को एप्लीकेशन को इधर आपको ओपन कर लेना है। तो चलिए हम इस वीडियो को थोड़ी सी स्किप कर लेते हैं। उसके बाद इधर आपको क्या करना है, सिंपल से अपने फेसबुक अकाउंट को ओपन कर लेना है, यानी कि फेसबुक एप्लीकेशन को। और आप जैसे ही इधर ओपन करते हैं एंड आपको इधर थोड़ा सा वेट करना है, क्योंकि अगर आप अपडेट करते हैं अपने फेसबुक एप्लीकेशन को तो इधर आपको प्रोसेसिंग लेगा एंड आपका जो फेसबुक एप्लीकेशन है वो इजिली ओपन हो जाएगा। उसके बाद इधर आपको क्या करना है, इधर आपके सामने बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इधर आपको देखने को ऊपर साइड में 3 डॉट वाला ऑप्शन, तो इधर आपको क्या करना है, सिंपल से इस पर कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं एंड आपको इधर थोड़ा सा वेट करना है। वेट आप जैसे करते हैं एंड आपका इधर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर आपके सामने, इधर आप अपने फोटो को लगाए होंगे तो देखने को मिलेगा, अगर आप नहीं लगाए होंगे तो नहीं देखने को मिलेगा। तो इधर आपको क्या करना है, सिंपल से अपने फोटो वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं एंड आपका इधर का जो भी प्रोफाइल पिक्चर है वो आपको इधर देखने को मिल जाता है। तो इधर आपको क्या करना है, सिंपल से आपको इधर एडिट प्रोफाइल इस पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं एंड आपको इधर कहीं भी खोज लेंगे तो नहीं मिलेगा कि कैसे आप अपने डेट ऑफ बर्थ को आप इधर से चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास इधर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिल रहा है एंड हमारे पास इधर डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन नहीं, इधर से आपको बैक नहीं आना है, बल्कि आपको इधर क्या करना है, सिंपल से नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इधर आपको देखने को मिले एक ऑप्शन, एडिट योर अकाउंट इन्फो, इधर आपको एडिट योर अबाउट इन्फो इधर ऑप्शन देखने को मिलता है। तो इधर आपको क्या करना है, इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं एंड आपके सामने इधर अबाउट वाला ऑप्शन देखने को मिल जाता है, जैसे कि आपको इधर बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलता है, जैसे कि आपका जो भी आप इधर सेट किए हैं वो ऑप्शन देखने को मिल जाता है, आपका जो भी ईमेल आईडी होगा वो देखने को मिल जाता है। तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ इस तरह का स्क्रॉल डाउन करना है। जैसे आप स्क्रॉल डाउन करते हैं तो इधर आपको देखने को मिले एक ऑप्शन ऊपर साइड में बेसिक इन्फो, और नीचे साइड में देखने को मिले आपका गेंडर, जो भी आपका गेंडर है, और उसके नीचे देखने को मिले इधर आपको इधर आपका डेट ऑफ बर्थ। तो इधर आपको अपने डेट ऑफ बर्थ को चेंज करने के लिए सिंपल से आपको क्या करना है, इस पर कर देना। तो अगर आप अपने डेट ऑफ बर्थ पर जैसे इधर क्लिक करते हैं तो आपको इधर क्लिक नहीं होगा, ठीक है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपल से ऊपर साइड में देखने को मिले एडिट वाला ऑप्शन, तो इधर आपको क्या करना है, सिंपल से एडिट पर कर देना होगा क्लिक। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं एंड आपको थोड़ा सा वेट करना है। जैसे आप थोड़ा सा वेट करते हैं एंड आपको देखने को मिले ऊपर साइड में एडिट प्रोफाइल एंड नीचे साइड में आपका इधर डेट ऑफ बर्थ दिखा रहा होगा, ठीक है। उसके लिए आपको चेंज करने के लिए सिंपल से आपको इधर क्या करना होगा, ऊपर साइड में देखने को मिले इधर आपको डेट ऑफ बर्थ, जैसे कि आप देख सकते हैं डेट ऑफ बर्थ वाला ऑप्शन इधर आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल से आपको इस वाला आइकन पर क्लिक कर देना है। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं एंड आपको इधर क्या करना होगा, इधर आपको पब्लिक रखना चाहते हैं तो इधर आप पब्लिक भी कर सकते हैं, एंड अगर आप अपने फ्रेंड को ही दिखाना चाहते हैं तो आप इधर से फ्रेंड भी, जैसे कि मैं इधर पब्लिक नहीं करना चाहता तो मैं इधर ऐसे ही छोड़ दिया। एंड आपको देखने को मिले नीचे साइड में इधर आपको बर्थडे, तो इधर आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे साइड में देखने को मिलेगा बर्थडे एयर्स, सिंपल से इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं एंड आपको इधर थोड़ा सा वेट करना, तो आप जैसे ही इधर आ जाते हैं एंड आपको इधर क्या करना होगा, सिंपल से नीचे साइड में देखने को मिले नो चेंज, इस पर क्लिक कर देना होगा। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं एंड आपको इधर देख सकते हैं, जो कि आप देख सकते हैं इधर आप इधर से अपने डेट ऑफ बर्थ को आप चेंज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे इधर 2002 है तो मैं इधर 2001 पर क्लिक कर दिया, एंड आप जैसे क्लिक कर लेते हैं एंड आपको इधर अपने मेल चूज कर लेना है ये सब ऑप्शन, और आप जैसे ये सब ऑप्शन चूज कर लेते हैं एंड आप चाहते हैं अपने लैंग्वेज को चूज करने के लिए तो आप इधर से अपने लैंग्वेज भी चूज कर सकते हैं। और उसके बाद इधर आपको क्या करना है, सिंपल से आपको इधर सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक कर देना होगा। इस पर आप जैसे क्लिक करते हैं एंड आपको इधर थोड़ा सा वेट करना, वेट आप जैसे करते हैं एंड आपका जो भी डेट ऑफ बर्थ होगा इजीली चेंज हो जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास इधर 2 अगस्त 2001 हो गया और मेरा था इधर 2000। सो आप इस तरीके से अपने फेसबुक का डेट ऑफ बर्थ उसे आप चेंज कर सकते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो में आपके सामने लाइव प्रूफ के साथ चेंज करके दिखा। सो आई होप फ्रेंड का आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर पहले बनाए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे क्या होगा कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर जब भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आप हमारी वीडियो सबसे पहले वॉच कर सकते हैं। सो फ्रेंड आज के लिए बस यही, मिलते हैं किसी से नेक्स्ट वीडियो।